कुलंबी, हाँ बाबू बीबीआई क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा। नाथ बाबू जो बोल रहे हैं बीबीआई क्वेश्चन पढ़ाइएगा सर। हाँ बाबू, इसमें जितना भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं ना, वो सिर्फ वही टॉपिक लेकर चल रहे हैं जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। कोई आलतू फालतू में टॉपिक नहीं पढ़ाना हो, सिर्फ बीबीआई टॉपिक ही यहाँ पर चलेगा, ठीक है ना। उसके अलावा कुछ नहीं चलने वाला है, ठीक है। बस समझ के ऊपर है, क्या समझ रहे हैं आप लोग। जो देखिए बाबू, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता क्या है? कुलंबिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते किसको हैं? तो हम लोग सिंपल में बोल सकते हैं कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कुलंबिक फोर्स। करा दो चार्ज पार्टिकल होगा, अगर दोनों में चाहे तो वो अट्रैक्शन करे और चाहे तो वो रिपल्सन करे। अगर अट्रैक्शन और रिपल्सन कर रहा है तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कुलंबिक फोर्स। जैसे देखिए, एक पॉइंट मान लो बाबू ये है और ये बिंदु पर, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु क्या है? बी है। सपोज मान लीजिए कि ए बिंदु पर भी प्लस चार्ज और बी बिंदु पर भी प्लस चार्ज, ए बिंदु पर माइनस चार्ज और बी बिंदु पर भी क्या रहे? माइनस चार्ज। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए बिंदु पर प्लस चार्ज और बी बिंदु पर माइनस चार्ज, कहीं ऐसा भी हो सकता है कि माइनस चार्ज और प्लस चार्ज। तो पिछले क्लास में हम आप लोग को बता चुके हैं कि यदि दो बिंदु प्लस प्लस चार्ज माइनस माइनस चार्ज होगा, या फिर प्लस माइनस चार्ज या माइनस प्लस चार्ज होगा, तो ये जो सेम है लाइक चार्ज होता है बाबू, उन लाइक में क्या होता है? तो रिपल्सन होता है। क्या होता है? रिपल्सन होता है। जहां पर लाइक चार्ज हो जाएगा उन दोनों में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन बाबू जहां पर अनलाइक चार्ज होगा उन दोनों में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। तो जो दो पॉइंटों के बीच में रिपल्सन और अट्रैक्शन करता है उसी को बोला जाता है बाबू कूलम्ब फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। बात समझ में आया? तो इसको कैसे लिखेंगे? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज, बिटवीन टू चार्ज, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या उसको बोलेंगे कुलंबिक फोर्स। बात सबको समझ में आया? दो चार्जों के बीच में चाहे अट्रैक्शन करे चाहे रिपल्सन करे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलेंगे या फिर क्या बोलेंगे? कुलंबिक फोर्स बोलेंगे। कोई दिक्कत? चलते हैं आगे। अब आता है इसी में, देखिए क्या कूलम्ब्स लॉ के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? कूलम्ब्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बाबू वहां से कभी कभी ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है और कभी कभी सब्जेक्टिव भी पूछता है ना। इसमें इतना ही समझना था, ज्यादा कुछ नहीं था। अब होता है कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या हेडलाइन है? कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। क्या बाबू? कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रो स्टैटिक्स। अच्छा अमरनाथ सर हिंदी में मीडियम में ना पढ़ाएगा? हाँ बाबू चलेगा चलेगा, सबर कीजिए, चलेगा, जरूर चलेगा और बहुत जल्द ही चलेगा, ठीक है ना। चलिए बात नहीं ज्यादा हम करते हैं, हम मैसेज वगैरह आप नहीं पढ़ने वाले हैं, बस यहां पर फोकस कीजिए 45 मिनट। करा कूलम्ब्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कूलम्ब्स लॉ होता क्या है? सबसे पहला हम लोग को समझना कूलम्ब्स लॉ क्या होता है। कूलम्ब्स लॉ दो बिंदुओं के बीच में क्यों होता है? आज बहुत इंपॉर्टेंट वीवीआई है, इसको मस्ट वीवीआई करके चलिएगा बोर्ड एग्जाम के लिए। इतना ज्यादा वीवीआई है कि आपको हम बता नहीं सकते हैं, मतलब इसे इतना ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, दो नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और कुछ जैसे ऐसे बातों करेंगे प्रूफ करने के बाद जो बहुत लोग शायद कभी सोचा भी नहीं होगा, पढ़ा तो होगा सब लोग पर बहुत सारा पॉइंट आपने सोचा भी नहीं होगा। जैसे एक बात करते हम लोग कि कोई बोले कूलम्ब्स लॉ होता क्या है, देखो सिंपल समझना, दो बिंदु है बाबू, मान लीजिए कि एक बिंदु हमारा ए है, एक बिंदु क्या है? ए है, और दूसरा बिंदु हम लोग मान लिए
कि दूसरा बिंदु हमारा क्या है, बी है। सपोज ए पर जो चार्ज है वो Q1 है और बी पर जो चार्ज है वो क्या है, Q2 है। ए पर चार्ज Q1 है और बी पर चार्ज क्या है, Q2 है। बाबू दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना हम लोग ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं, आर ले रहे हैं। अब देखो बाबू दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो फोर्स अप्लाई होगा, होगा ना, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ फोर्स अप्लाई होगा। अब अगर कोई तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कूलम्ब फोर्स किसे कहते हैं, तो सिंपल लैंग्वेज में सुनो, लिखना, इफ द टू चार्ज पार्टिकल अट्रैक्शन और रिपल्सन सेपरेटेड बिटवीन आर डिस्टेंस इन ए वैक्यूम, इन ए वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड कूलाम्बिक फोर्स। मतलब कूलाम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ। मतलब दो पॉइंट के बीच में जो चार्ज रहेगा और दोनों में जो भी अट्रैक्शन और रिपल्सन का रूल अप्लाई होगा, और दोनों में जितना ज्यादा अट्रैक्शन और रिपल्सन करेगा उसके बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा, आर रहेगा। तो जो बीच का डिस्टेंस आर है उसी को हम लोग बोलेंगे कूलाम्बिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक, मतलब कि कूलाम्स लॉ बोलेंगे, है ना। अब देखो यहां पर करना क्या है कि प्रूफ करना है, तो इसको ऐसे भी बोल सकता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स अट्रैक्शन रिपल्सन बिटवीन टू चार्ज Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बिटवीन डिस्टेंस आर इन ए वैक्यूम, इन ए वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड कूलाम्स लॉ। अब बात यहां समझ में आना है, पहला पॉइंट इसको अगर प्रूफ करेंगे तो पहला पॉइंट लिखेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज। क्या लिखवाए फिर से समझो, कूलाम्ब फोर्स जो होता है वो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 होता है। क्या होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 होता है। बात समझ में आया, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द सेकंड पॉइंट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन, ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। क्या होगा, सेपरेशन बिटवीन देम, मतलब कि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/2 क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। आज सिर्फ इसी टॉपिक पर बात करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकंड, लिखना नौ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, नौ इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन करते हैं, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। जब इस टर्म को हटाते हैं तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाएगा एफ इक्वल टू के Q1 Q2 बाई कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये देखो कूलाम्ब फोर्स कहा गया। अब यहां पर अगर आपसे कोई पूछे
वेयर वेयर एफ इक्वल टू क्या है बाबू, फोर्स है। एफ इक्वल टू क्या है, फोर्स है। क्यू वन क्यू टू क्या है, क्यू वन एंड क्यू टू जो है चार्ज है, के आर क्या है डिस्टेंस है, और के क्या है कूलाम कांस्टेंट है, कूलाम कांस्टेंट है। के का जो वैल्यू होता है बाबू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, और इसका जो मान होता है 9 × 10^2 कितना होता है 9 होता है, 9 × 10^9 होता है। इसका यूनिट जो निकालते हैं हम लोग वो निकालते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2 होता है। अब सॉलिड नॉट को बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, आई चाहे तो इसको रिलेटिव आप सॉलिड नॉट का हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इसका वैल्यू होता है 8.85 × 10^-12 न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2 कूलम का स्क्वायर। तब देखो के का वैल्यू अगर इसमें रख दिया तो एक फॉर्मूला बन जाता है बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 और Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आपका मेन फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अभी बहुत कुछ इसमें बताएंगे बट ये आपका मेन, ये सिंपल हुआ। ये किसके लिए हुआ तो ना तो अब ये तो ऐसे कहे अगर बात तो एयर के लिए होता है, किसके लिए होता है एयर के लिए होता है, लेकिन यहां पर हम बहुत कुछ अभी बताएंगे कि ये तो सिंपल फॉर्मूला मान लो कि सब जगह सब बच्चा पढ़ता है, लेकिन कूलम्स लॉ का बहुत कुछ अभी हम बताएंगे। अगर नोट करना है तो आप इतना फटाफट नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए। करिए फटाफट नोट। हाँ, वाटर के लिए सर, हाँ हाँ सब बताएंगे सब बताएंगे। अभी तो एक सिंपल रखे हैं जो एयर के मीडियम मान लो, अभी रिलेटिव परमिटिविटी तुझे हम नहीं बता रहे हैं ना, अभी सिंपल हम सिर्फ प्रूफ किए हैं कि कूलम्स लॉ होता है। इस पर न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे अच्छे हम करवाएंगे आपको, वाटर के लिए भी बताएंगे, तेल के लिए भी बताएंगे, पानी के लिए भी बताएंगे, हर जगह के लिए बताएंगे। बस इतना आप नोट कीजिए फटाफट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, फिर से एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए आपसे बोले कूलम्स लॉ होता क्या है, सिंपल परिभाषा बोलिएगा, इफ द टू चार्ज पार्टिकल Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बिटवीन डिस्टेंस आर, सेपरेटेड बिटवीन डिस्टेंस आर इन ए वैक्यूम, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ, दैट इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। दो पॉइंट पर जो चार्ज है दोनों के बीच में Q1 और Q2 के बीच में जो अट्रैक्शन होगा चाहे तो रिपल्सन होगा, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जो सेपरेशन है उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कूलम्स लॉ। अभी कूलम्स लॉ ना तो हम आपको वाटर की बता रहे हैं, नहीं तो कूलम्स लॉ हम आपको तेल आयल के लिए बता रहे हैं। अब इस चलते चलिए, जैसे अब देखिए कैसे हुआ, ये जो होता है फोर्स वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 और Q2 का होता है। जब कोई बोले अब इसका ग्राफ भी होता है ना, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कह रहा है तो डायरेक्टली का मतलब ग्राफ देखो कैसा होगा बाबू। अगर मान लो कि इधर इधर Q1 Q चार्ज है और इधर फोर्स लग रहा है तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, जैसे जैसे चार्ज बढ़ताएंगे क्या फोर्स भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, जब दोनों बढ़ेगा तो इसका ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। ग्राफ कैसा होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि जितना आप फोर्स बढ़ाइएगा
चार्ज का वैल्यू बढ़ेगा, अगर चार्ज घटाइएगा तो फोर्स भी घटेगा, तो जब दोनों चीज हो रहा है तो ग्राफ कैसा जाएगा, कॉन्स्टेंट जाएगा। बात समझ में आया। दूसरा कर रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, तो इसका क्या होता है, आर स्क्वायर मतलब हाफ, तो इधर मान लीजिए डिस्टेंस है और इधर फोर्स है, तो पहले इंक्रीज ओकर बाद क्या करता है, डिक्रीज करता है, क्योंकि इनवर्सली, इसको इनवर्स लॉ भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स लॉ भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, इनवर्स लॉ भी बोला जाता है। अगर यहां पर हम लोग चले फिर से, तो पहला हम लोग कहेंगे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू चार्ज, मतलब एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की वन एंड की टू फर्स्ट मान लिए, सेकेंड करा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम, तो एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई आर स्क्वायर, और वन बाई आर स्क्वायर को बोला जाता है इनवर्स लॉ, क्या बोला जाता है, इनवर्स लॉ भी बोला जाता है। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कंबाइन के एफ डायरेक्टली की वन और की टू बाई आर स्क्वायर, ये जो चीज हटा रहे हैं इसके जगह पर क्या रख दिए, के रख दिए, तो एफ इक्वल टू के की वन की टू बाई क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। अब देखो बाबू क्या होता है, तो एफ का मतलब होता है फोर्स, की वन की टू चार्ज, आर है डिस्टेंस, और के को बोला जाता है कूलम कांस्टेंट, क्या बोला जाता है, कूलम कांस्टेंट, और के का मान होता है वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका वैल्यू होता है 9×10⁻¹। आपको बोलेगा सर आप इसको कहां से ला दिए, यूनिट आप कहां से ला दिए, सबर करो, ठीक है ना, इंतजार का फल, सबर करो, मीठा होता अभी, सबर करो, वो भी बताएं कैसे लाए। ये अब्सोल्युट नोट का वैल्यू होता है 8.85×10⁻², इसका यूनिट होता है न्यूटन मीटर, ये कहां से आया सर, इसको भी बता रहे हैं, सबर करो, कहां से आया ये भी बता रहे हैं ना। अब कोई बोलेगा सर इसका मान कहां से आया 9×10⁻¹, देख बाबू फोर का मान जानते हो, पाई का मान जानते हो, अब्सोल्युट नोट का मान जानते हो, अगर इसको रख के कैलकुलेट करना तो 9.99883 समथिंग करके आएगा, जिसको मान कर चले हैं 9×10⁻¹। कोई बोले सर ये कहां पर है, तो ये अब्सोल्युट नोट का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक इसका बोलेंगे, या फिर परमिटिविटी होता है, क्या होता है, परमिटिविटी होता है, परमिटिविटी। आइए देखो इसका यूनिट बोर्ड एग्जाम में कितना बार पूछ चुका है, 2016 में तो यह चीज पूछा था कि अब्सोल्युट नोट का वैल्यू कितना होता है, इसका भी मान पूछा था 8.85×10⁻¹². अब यही चीज के जगह रख देंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एफ इक्वल टू की वन की टू फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। किसी को डॉट, कोई यहां तक तो कुछ समझने वाला है नहीं, आप कभी भी बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा प्रूफ करने के लिए बोलेगा नहीं, ध्यान दीजिएगा, कभी बोर्ड एग्जाम में सब प्रूफ करने के लिए पूछता है, यहां ऑब्जेक्टिव जो उठता है वो के का वैल्यू और एब्सोल्युट नोट का वैल्यू, के का मात्रक मतलब यूनिट और एब्सोल्युट नोट का मात्रक मतलब यूनिट, के का बीमा मतलब डायमेंशन और एब्सोल्युट नोट का बीमा मतलब डायमेंशन। मेन क्वेश्चन तो देखिए यहीं पर तुम्हारा रखा हुआ, यही मेन चीज है। अब बहुत खुश हुआ तो हो सके तो कागो दे दो न्यूमेरिकल, न तो नहीं भी दे सकता है। बात समझ में आ रहा है ना। अब बात आता है कूलम लॉ लगाते किसके लिए, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि के का मात्रक और बीमा कैसे आता है उसको निकाल देते हैं। बात समझ में आ रहा है, के मतलब कूलम कांस्टेंट, तो देखते जाइए आगे। दिल दीवाना चाहता है एक हंसी, कोई जाने जाने ना। देखिएगा कैसे कैसे अभी चलेंगे, जो वैल्यू उतारते जाएगा जो भी है।
हमें तू चाहती है, कैसे मैं मिटा दूं। अरे बोर्ड के पर ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव ये सब आता है, फटाफट ऑब्जेक्टिव लिखते जाइएगा। देखो और ये सब का ध्यान में रखते जाइएगा कि सर कैसे पूछेगा, कहाँ पूछेगा, है ना। कोई बात नहीं, अभी तुरंत हम बता रहे हैं कुलांसला, जैसे समझ में आप लोग का आ गया आई होप, उसी तरह से उसका यूनिट भी आप समझ जाएगा। रटना नहीं है, रटेगो गलती हो जाएगा, नहीं रटोगे सही होगा। चलिए सबसे पहला पॉइंट हम लोग निकालना चाहते हैं, एसआई यूनिट ऑफ के, एसआई यूनिट ऑफ के मतलब क्या होता है, कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोल रहा है, न्यूमेरिकल भी बताइए। हाँ एकदम न्यूमेरिकल भी चलेगा, टेंशन मत लेना, न्यूमेरिकल भी चलेगा, ठीक है ना। एसआई यूनिट ऑफ के, देखो बाबू फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, एक बराबर होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। हमको निकालना है किसका चेला, निकालना है बाबू के का ने, के का ने निकालना हो के का, है ना। देखो हम इसको कर सकते हैं कि एफ आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू वन और क्यू टू, हाँ या ना। अरे हाँ या ना, हाँ चलो के का निकालना है ना, इसको इधर ला देंगे तो डिवाइड में नहीं हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर बाई क्यू वन और क्यू टू इक्वल टू के, मतलब के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई, यहां पर लिख दें अगर कि क्यू वन बराबर क्यू टू बराबर क्यू है तो कह सकते हो कि क्यू का स्क्वायर, हाँ या ना। क्यू वन और क्यू टू दोनों बराबर है तो दोनों जगह अगर क्यू रखेंगे तो क्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो मजा आएगा निकालने के लिए, अब मजा आएगा कैसे सर, देखो बल का डायमेंशन क्या होता है, इलेवन में पढ़ा होगा एम एल टी पर पावर माइनस टू होता, तो बाबू इलेवन तो हम ना बता जाएंगे, हो इलेवन बताएंगे तो इधर खत्म हो जाएगा ना। तो बल का क्या होता है, एम एल टी पर पावर माइनस टू, आर स्क्वायर डिस्टेंस है तो डायमेंशन, अभी सब इलेवन तो ना पढ़ रहा है बच्चा, तो आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, क्यू का होता है एट्टी, क्यू का क्या होता है एट्टी या फिर आई टी। तो देखो यार अगर यहां रखोगे तो हो जाएगा एम एल टी माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर बाई एटी का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा एम एल स्क्वायर, नहीं एम एल टी माइनस टू इंटू एल स्क्वायर बाई ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। बाबू सोचो यहां ये तो नीचे पॉजिटिव में है, इसको अगर ऊपर में हम लोग कर सकते हैं तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा एम एल पर पावर वन आई एल पर पावर टू, तो एल पर पावर थ्री। ओहो गलती कर दी है, लिखे हैं यूनिट और निकाल को चिरे हैं डायमेंशन। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग यूनिट नहीं निकाल के, पहले यूनिट नहीं निकालेंगे यार, गलती किए तुम लोग बोला भी नहीं, बताओ हेडलाइन डालने हैं यूनिट और निकाल रहे हैं डायमेंशन। तो देखो बल का होता है न्यूटन, आर स्क्वायर का हो जाएगा मीटर स्क्वायर, और कूलम का होता है चार्ज का होता है सी, तो के इक्वल टू हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई सी का स्क्वायर, मतलब कूलम स्क्वायर। ये भी देखो सही है ना, कोजेक्टिव रखना मत, ये भी सही है, या इसी को लिख सकते हैं एन एम स्क्वायर सी ऊपर जाएगा तो माइनस टू। तो ये किसका यूनिट हो गया, कूलम कांस्टेंट का, किसका कूलम कांस्टेंट का, कूलम कांस्टेंट का यूनिट हो गया ना, बात समझ में आया कि नहीं। अगर इसका बोले कि सर के का डायमेंशन बताइए, डायमेंशन किसका, डायमेंशन के का। देखो बाबू बार बार बोल रहे हैं ये दोनों यूनिट याद रखना बहुत जरूरी है, ऑब्जेक्टिव इस बार पूछ देगा, न्यूटन मीटर ये भी सही है, ये भी सही है ना।
डायमेंशन निकालते हैं, तो फॉर्मूला होता है के इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर, एफ आर स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर। हम लोग अभी तुरंत लिखे थे कि एफ का होगा एम एल टी पर पावर माइनस टू, आर स्क्वायर का होगा एल स्क्वायर, और क्यू का होता है ए टी या आई टी। तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा, एम एल टी माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर बाई ए टी का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, चला बन जाएगा के इक्वल टू एम एल पर पावर, यहां पर वन है ना, यहां टू, तो यहां कितना आ जाएगा थ्री होगा कि नहीं होगा थ्री, और टी पर पावर माइनस टू ए का स्क्वायर टी का स्क्वायर। नीचे पॉजिटिव है बाबू, ऊपर जाएगा तो देखो ये भी डायमेंशन सही है। ऑब्जेक्टिव जानता है बहुत तेज होता है, किसी भी तरह से घुमा के पूछ सकता है। अब अगर किसी भी तरह से घुमा के पूछे तो उसका मतलब कि तुमको याद रखना पड़ेगा, बात समझ में आया। तो देखो क्या करना, ये भी सही है और ऐसे भी लिख सकता एम एल क्यू एटी पर पावर कितना है टू, ऊपर जाएगा नेगेटिव में तो माइनस टू और माइनस टू तो माइनस फोर, आई एफ पर पावर कितना आ जाएगा माइनस टू। छाप लें इसको फटाफट, ए भी सही है और ए भी सही है, दोनों सही है, जल्दी उतारो। दिखाई दे रहा है ना, चलो ठीक है जल्दी करो फटाफट। इसके बाद अब किसका निकालेंगे, उतार लो, अरे नहीं उतरता है ना तो इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद अपना उतारते रहना। बड़े आगे फिर से एक बार बता मैं, चलो देखो हमको यूनिट जरूर याद रखना, बोर्ड एग्जाम में पूछता है, अभी तुरंत वहां लिखे थे, कोई बोलेगा कि के का यूनिट क्या होता है तो आपके सामने बाबू आपको ये सब याद नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट ये याद रखना है। लेकिन बहुत लोग करता क्या है कि रट जाता है, तो रट जाओगे तो भुला जाओगे, अगर बनाकर निकालोगे तो कभी भूलोगे नहीं। तो देखो रटेगा तो इसको भी रटना पड़ेगा, इसको भी रटना पड़ेगा, इससे अच्छा दोनों आप याद रखिए। तो देखो के का हमको निकालना है तो बल का होता है के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, तो यहां पर हम लोग कहेंगे ए पर स्क्वायर इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू, ए पर स्क्वायर बाई क्यू वन क्यू टू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बराबर क्यू, तो के बराबर ए पर स्क्वायर बाई क्यू का स्क्वायर। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर, कूलम का मात्रक अति चार्ज का मात्रक कूलम, रख दो वैल्यू तो न्यूटन मीटर स्क्वायर बाई कूलम स्क्वायर भी हो सकता है कि नहीं हो सकता, हाँ है ना, या फिर न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे प्लस में ऊपर जाके क्या आ जाएगा माइनस में। तो इसीलिए लिखे थे कि ए का मात्र होता वैल्यू 9 इंटू 10 टू, पहले देखो क्या होता 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे थे, उसके बाद लिखे थे 9 इंटू 10 टू दी पावर 9 न्यूटन मीटर कूलम माइनस टू, ये पूरा वैल्यू याद रखना, और न्यूमेरिकल जब बताएंगे तो ये चीज आपको बताएंगे, है ना। अब आते हैं डायमेंशन, किसका डायमेंशन, कूलम कांस्टेंट का, के का डायमेंशन। तो देख लो बाबू फॉर्मूला होता है यहां पर, ये फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, ए के इक्वल टू ए पर स्क्वायर बाय कूलम स्क्वायर, बल का बीमा होता है एम एल टी पर पावर माइनस टू, आर स्क्वायर का होता है एल का स्क्वायर, क्यू का होता है ए टी या आई टी भी बोला जाता है, ए टी या आई टी भी बोला जाता है। तो सबका वैल्यू रखोगे तो एम एल टी माइनस टू एल का स्क्वायर ए टी का स्क्वायर, तो एम का स्क्वायर एल का क्यू टी माइनस कितना टू, यहां पर ए स्क्वायर टी स्क्वायर, नीचे पॉजिटिव में ऊपर जाएगा नेगेटिव में, तो एम एल थ्री और यहां पर कितना जाए टी माइनस फोर, ऊपर चल गए तो माइनस टू, इसको भी याद रखना है, बात समझ में आया, तो नोट कर लो बाबू। अब चलते हैं किसका लेकर, आप सॉलिड नोट का, यही तो दो यहां पर मेन पॉइंट है बाबू, जो हर बार पूछता है एग्जाम में, और सिर्फ एग्जाम में ही नहीं, आप कहीं पर कंपेटेटिव में भी बैठिएगा तो इससे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, और खास करके जो ग्राफिक बताएं उसको याद रखिएगा। दिल दीवाना होता है कि
देखते जाइएगा खाली। अभी आप साइलेंट नोट का लेकर चलेंगे, वो भी बाबू बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बार बार बोल रहे हैं। देखो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बट एनसीईआरटी में इतना डिटेल नहीं है, बहुत शॉर्ट मारा हुआ है, आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो मैं पहले डिटेल समझा दे रहा हूं। बाकी आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको आप समझ में आ जाएगा कि कितना शॉर्ट होता है जो है ना, क्योंकि वहां यूनिट और डायमेंशन बाबू डायरेक्ट दिया रहता है। ठीक है, तो चले आगे बढ़े। हाँ, अब ऐसा यूनिट किसका निकालना चाह रहे हैं बाबू? आप साइलेंट एसआई यूनिट ऑफ आप साइलेंट नोट का, इसका मतलब होता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। तो देखो निकाल रहे हैं हम लोग, फॉर्मूला जानते हैं बाबू कि ए बराबर Q1 Q2 by 4 pi epsilon not r square हो जाएगा ना। हाँ या ना? तो यहां पर समझिएगा एक पॉइंट कि दोनों चार्ज तो इक्वल है, मतलब कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q है ना। अब 4 pi जो होता है बाबू, वो 4 pi होता है डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है। क्या होता है? डायमेंशन लेस क्वांटिटी, मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है ना। तो देखो बाबू यहां क्या बच जाएगा, ए बराबर बच जाएगा क्यू का स्क्वायर, अब साइलेंट नॉट कितना जाएगा आर का स्क्वायर। डायमेंशन 11 पे कहीं पढ़ा होगा तुम लोग कि साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा या कांस्टेंट का ये जो 2 3 1 बाय रूट टू वैल्यू जो होता है 0.5 0.6, ये सब कभी भी यूनिट इसका डायमेंशन नहीं लेकर चल रहे है ना। तो देखो अब यहां इसका निकालना है, तो अब साइलेंट नॉट के अगर तुम ऊपर भेज दोगे तो अब साइलेंट नॉट इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू का स्क्वायर बाई एफ आर स्क्वायर। हाँ या ना बोलना पड़ेगा है ना। तो देखो बाबू हम लोग जानते हैं कि क्यू मतलब चार्ज, चार्ज का एटी या क्या होता है आई टी होता है, हम सिर्फ एक ही लिखते हैं। और एफ का हम लोग जानते हैं एम एल टी पर पावर माइनस टू, आर स्क्वायर जानते हैं कि एल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसी प्रकार से अगर रखिएगा तो आप साइलेंट नॉट का वैल्यू आएगा ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर रखेंगे ना बाबू, आई एफ मतलब एम एल टी पर पावर माइनस टू आई इंटू कितना जाएगा एल का स्क्वायर, मतलब होकर जस्ट उल्टा आ रहा है, के का उल्टा आ रहा है। ध्यान से अगर आप देखिएगा तब, तो देख बाबू अगर इसको ऊपर भेजोगे तो हम लोग इसको लिख सकता था ना, एम नीचे प्लस में तो ऊपर जाके हो जाएगा माइनस में। हाँ या ना? एल टू और एल वन तो एल थ्री, ऊपर जाके माइनस में, टी माइनस टू तो ऊपर जाके प्लस में, माइनस अति प्लस टू टी पावर फोर और ए पावर टू। ये देखो हो गया, बात समझ में आया? नीचे जो वैल्यू पॉजिटिव में ऊपर जाके नेगेटिव में, या जो नेगेटिव में ऊपर जाके पॉजिटिव में। ओह फिर वही काम किए यार। चलो यहीं पर बदल देते हैं यार, हम हर बार सोच रहे हैं यूनिट निकालने के लिए निकाल दे रहे हैं यार डायमेंशन, तुम लोग ध्यान नहीं देता यार, एक रूम वही किए हैं। ओह कोई बात नहीं, सॉरी होता है, आ तुम लोग ध्यान नहीं दिया यार। क्यू का हो जाएगा कूलम, एफ का हो जाएगा न्यूटन, आर का हो जाएगा मीटर। ये तो बहुत ईजी है, तो साइलेंट नॉट इक्वल टू सी स्क्वायर न्यूटन मीटर का कितना जगह स्क्वायर है ना। तो लिखेंगे तो न्यूटन माइनस वन मीटर माइनस टू कूलम का स्क्वायर। तो ये भी यूनिट सही है, दोनों यूनिट सही है, दोनों उतार लेना। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं, उसको भी लिख सकते हैं ना। अब आ जाते हैं डायमेंशन पर, क्या आ जाते हैं डायमेंशन पर। जो डायमेंशन अभी निकाले थे वो अपोजिट रख दिए, क्या करोगे माइंड में सेटअप हो जाता है ना, तो इसीलिए ऐसा हो गया। चलिए तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि अब साइलेंट नॉट बराबर क्या होता है, क्यू का स्क्वायर बाई एफ आर का स्क्वायर। तो इसको निकालेंगे बाबू, क्यू मतलब हो जाएगा क्या एटी, और एफ मतलब हो जाएगा एम एल टी पर पावर माइनस टू, आर स्क्वायर का मतलब कितना आ जाएगा एल का स्क्वायर। तो जैसे जैसे अभी निकाले वैसे वैसे रख दीजिए, तब साइलेंट नॉट ए स्क्वायर टी स्क्वायर नीचे हो जाएगा बाबू एम एल टी पर पावर माइनस टू इंटू एल का स्क्वायर। तो यहां लिखिएगा तो नीचे प्लस में ना बाबू एम, तो ऊपर जाके माइनस में। हाँ या ना? और चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एक स्टेप ए स्क्वायर टी स्क्वायर
एम एल क्यू टी माइनस थ्री, ए भी सही है, अगर नहीं रटिएगा तो ये भी डायमेंशन सही है। चाहे तो इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एम माइनस वन एल माइनस थ्री, एल माइनस थ्री ए माइनस ऊपर जाएगा प्लस, तो हो जाएगा टी पावर फोर ए का स्क्वायर, मतलब होकर जस्ट उल्टा आया है ना। उतार लो फटाफट जितना जल्दी हो सके बाबू, उतारिए आप लोग। आज बहुत गलत कर रहे हैं सर, कहीं और ध्यान है का? नहीं बाबू, अरे नहीं नहीं नहीं, थोड़ा सा है, कहीं से सही बात बोला, थोड़ा सा है ध्यान। ठीक है, ध्यान इसलिए है कि देखो आप लोग को बता रहे हैं, हम सोच रहे थे इस चीज को दिखाने के लिए, है ना, अभी तुरंत बता रहे हैं। थोड़ा सा है, थोड़ा सा ध्यान भटका, क्योंकि इतना इजी टॉपिक को थोड़ा सा उल्टा कर दे रहे थे, और क्या बाबू, उतारिए फटाफट, है ना। पांच मिनट हो गया। तो एक गुलाम सलाह का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो भी फिर से एक बार इसको हम रिपीट देते रहे हैं, है ना। देखो दे हो गया, चलिए ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ हाँ मिस्टेक, हाँ हाँ थोड़ा सा हो रहा। अच्छा क्यू का स्क्वायर कैसे किए सर? देखो ना बाबू बहुत इजी है यार, क्यू का स्क्वायर क्यों नहीं करेंगे? देखो दोनों दो बिंदु पर जो चार्ज है ना, और दोनों क्या बाबू इक्वल है, दोनों क्या, तो बाबू क्यू वन बराबर भी क्यू रख दो और क्यू टू बराबर भी क्यू रख दो, तो क्यू इंटू क्यू कितना होगा, क्यू का स्क्वायर होगा, तो इसीलिए क्यू का स्क्वायर लेकर चले। बात समझ में आया? चलो यहां पर ध्यान दीजिए फटाफट, देखिए ए बराबर हम लोग जानते हैं कि की वन की टू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर, फोर पाई जो है बाबू डायमेंशन लेस है, मतलब वो कर नहीं होता है। अच्छा एफ बराबर आप लोग जानते हैं कि क्यू का स्क्वायर आप साइलेंट नोट का क्या होता है, स्क्वायर होता है। अच्छा इसका जब वैल्यू रखिएगा तो क्यू का कूलम, फोर्स का न्यूटन, आर का क्या होगा मीटर, तो देखो ये भी मात्रक सही है चला, और ये भी मात्रक सही है, दोनों आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा कोई बोले अब साइलेंट नोट का मान कितना होता है ऑब्जेक्टिव में आता है, तो यदि ऑब्जेक्टिव में अब साइलेंट नोट का मान पूछेगा तो अब साइलेंट नोट का मान होता है चला देखो 8.85 इंटू 10^-12 न्यूटन माइनस वन मीटर माइनस टू कूलम का स्क्वायर। अब देखो यहां पर जो ऑब्जेक्टिव पूछेगा, मेरे बात को ध्यान देना, एक मिनट देखो यहां तुमको क्या नजर आएगा कि जो एट का साइलेंट नोट का जो वैल्यू है ना, ये तुमको लगेगा सर बिल्कुल सही है। हां बाबू सही तो है, हां बाबू सही तो है, गलत क्या रहेगा सर? गलत होकर मात्रक जो यूनिट दिया रहेगा ना, वो गलत कर देता है, ये गलत तुमको करके देगा। तो ध्यान रखना कि इसके साथ में इसको भी याद रखना है, बात समझ में आया ना, इसको साथ में इसको भी ध्यान रखना है, तब तुमको याद है। अब अगला क्लास हम ये चीज को वैल्यू हम पूछेंगे, आप लोग फट फट देखेंगे कौन कितना जल्दी बताता है, किसका वैल्यू कितना होता है जो, ठीक है ना, क्योंकि इसका पूछेंगे। अच्छा दूसरा पॉइंट इसका पर निकालते हैं हम लोग क्या, डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग जान रहे हो, आवेश का होता है एटी, बल का होता है एमएलटी माइनस टू, बल मतलब फोर्स, आर स्क्वायर के एल स्क्वायर रख दो वैल्यू, ए स्क्वायर टी स्क्वायर एमएलटी माइनस टू एल स्क्वायर, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, अब ये क्या के टू आर ए वन है तो थ्री हो जाएगा, और जे चीज वहां नीचे माइनस में ऊपर जाके प्लस, जे प्लस में ऊपर जाके माइनस में होगा। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अब ये वैल्यू पूरा तुम निकालो तो ये वाला आ जाएगा, बात समझ में आया ना। तो कुछ बाबू एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, कोची है इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, तो देखो हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐसा करेंगे कि इतना बात आप लोग याद रखिएगा,
बाकी नेक्स्ट क्लास में आपका और ज्यादा डिस्कस करेंगे। सही बात बोला कि सर कहीं आपका ध्यान है इसलिए थोड़ा सा बाय मिस्टेक करें, हाँ ध्यान था तो कुछ मिस्टेक किए हैं, तो अगले क्लास में बाकी हम चलेंगे। लेकिन आज हम बता देना चाहते हैं कि जिन बच्चों को पैकेज चाहिए वो पैकेज देखो बनकर रेडी हो गया है, यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा होगा प्रवेश मास्टरमाइंड। बस इतना ही ऑब्जेक्टिव पढ़ने हैं, एकरा से ज्यादा कुछ नहीं है, सब्जेक्टिव का ही है, इतना से ज्यादा तुरंत 10 पेज है, यही 10 पेज पढ़ना इसमें और बाकी ऑब्जेक्टिव देखो पढ़ना इसमें, एकर अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अगर किसी को चाहिए तो आप ऑफिस में आकर कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर पहले हम लिख चुके हैं, पैकेज आप ले जा सकते हैं, बात समझ में आया, पैकेज आप ले जा सकते हैं। और इसके ज्यादा सब्जेक्टिव हम बार बार बोल रहे हैं, अभी ध्यान दीजिएगा, आपको 5 या 7 क्वेश्चन से फाइनली हम ज्यादा नहीं बचाएंगे, और उसी टाइम पे क्या आने वाला है एक रात पहले हम बताएंगे, ठीक है। बस इसी तरह से आप टॉपिक समझते जाइए, आपका बिल्कुल हम सिलेबस खत्म करेंगे, अभी थोड़ा थोड़ा एक एक टॉपिक स्लो स्लो चल रहे हैं, लास्ट में स्पीड पकड़े, एकाएक गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ता, धीरे धीरे पकड़ता, तो हम लोग भी पिकअप पकड़ेंगे लेकिन धीरे धीरे। तो आप लोग कोशिश कीजिए कब पकड़ेंगे पिकअप, जब आप लोग हमको एनर्जी दीजिएगा। एनर्जी क्या मिलेगा, आप लोग जैसा जानते हैं कि 1K सब्सक्राइबर पहुंचा दिए हैं तो आप इसको और आगे पहुंचाइए, आप हर एक ग्रुप को इसको शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ सके। क्योंकि पहले क्लास में तुम सोच सकता है कि 50 और 55 को लाइक अभी आ रहा व्यूअर ऑनलाइन, पहला में 50 मतलब कि अभी दूसरा क्लास में 50 ऑनलाइन पढ़ रहा, तो 4 दिन होते होते हम चैलेंज दे रहे हैं कि 400 बच्चा को पढ़ा देंगे। बस खाली आप लोग सपोर्ट कि ग्रुप में शेयर कीजिए, एक दूसरे को लिंक भेजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसके बाद हमसे जुड़े रहिए। चलिए थैंक यू।